दोस्तों चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला अब शुरू हो चुका है, जहां इस मुकाबले में धोनी की टीम ने गुजरात के परखच्चे उड़ा डाले। आखिर मुकाबले की क्या चल रही है, लाइव अपडेट किसने बनाई, कितने रन, क्या है किसकी प्लेइंग 11, टीम 5 बड़े बदलावों के बाद, सब आपको वीडियो में दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल 2023 का पहला मैच कौन सी टीम जीतेगी, चेन्नई या फिर गुजरात? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल 2023 की शुरुआत गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले के साथ अब हो चुकी है, जहां इस मुकाबले में दोनों ही टीमें चीर प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ आईपीएल की विजेता भी है। लेकिन दोस्तों इस बात को भूला नहीं जा सकता कि पिछली बार जब गुजरात टाइटंस की टीम ने डेब्यू किया था, तब उस बीच उनसे ज्यादा मजबूत कोई टीम नजर नहीं आई थी। चेन्नई जैसी टीम तक उन्होंने धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पास मौका है कि वो गुजरात से अपना पुराना हिसाब चुकता करें। और सबको बता दें कि चेन्नई की टीम ने कितनी बार आईपीएल के खिताबों को जीता है। लेकिन दोस्तों यहां पर मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले बारिश के खूब आसार बने हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 मार्च को अहमदाबाद में झमाझम बारिश हुई है और यहां पर आशंका यही है कि आज भी मुकाबले के दौरान बारिश होने की। लेकिन दोस्तों फैंस के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक ये अच्छी खबर निकल कर आई है कि 31 मार्च अहमदाबाद में बारिश की आशंका सिर्फ 1% ही है, जबकि मैच के दौरान यानी कि शाम के बाद बारिश की आशंका 0% रहेगी। तो दोस्तों यहां पर किसी भी प्रकार की बारिश की खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो सामने उभर कर आ नहीं रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर आपको हम बताते हुए चलें कि आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले के बारे में, तो आप सभी इस मुकाबले का लाइव अपने टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। हालांकि मैच की खबरों को जानने से पहले अगर मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों यह मुकाबला गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है और यहां कुल मिलाकर 11 पिच बनी हुई है, 6 लाल मिट्टी की और 5 काली मिट्टी वाली। लेकिन दोस्तों पिछले साल आईपीएल फाइनल में और जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान यही पिच यूज हुई थी और वहां तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिली थी। यहां उसका भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो यहां पर टॉस हारना या जीतने का कोई ज्यादा असर रहेगा नहीं। लेकिन दोस्तों यहां पर टॉस जीतकर पहले टीम बल्लेबाजी करने का भी फैसला कर सकती है अगर उनको तेज गति से रन बनाने हैं तो। हालांकि दोनों कप्तानों के पास प्लेइंग 11 की दो दो लिस्ट होंगी जो वह टॉस के बाद शेयर करेंगे। एक में पहले बल्लेबाजी करने वाली स्थिति में 11 खिलाड़ियों के नाम होंगे और वहीं दूसरी लिस्ट में बाद में बल्लेबाजी करने वाली परिस्थितियों के हिसाब से 11 खिलाड़ियों के नाम होंगे। वैसे भी दोनों लिस्टों में प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार काफी कम है और हालांकि यहां पर दोनों टीमों में 5-5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के भी नाम दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर बताते चलें प्लेइंग 11 के हिसाब से तो सीएसके के मुकाबले गुजरात टाइटंस की टीम ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। गुजरात की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है और वहीं सीएसके में ज्यादातर पुराने खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि सीएसके में नंबर 10 तक ऑलराउंडर खिलाड़ियों का विकल्प है और ऐसे में मैच टक्कर का रहने वाला है। हालांकि पहली नजर में दोनों टीमों को देखा जाए तो गुजरात की टीम थोड़ी भारी नजर आ रही है। हालांकि बात कर लें अब प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, बेन स्टॉक्स, मोइन अली, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, एमएस धोनी, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर और सिमरनजीत सिंह खेलेंगे चेन्नई की तरफ से। वहीं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 जो संभावित है उसमें सुमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा पारी की शुरुआत कर रहे हैं और वहीं केन विलियमसन, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, राशिद खान, शिवम मावी, आरसाई किशोर, अलजारी जोसफ और मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है चेन्नई और गुजरात के बीच इस रोमांचक मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।